यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू खतरनाक गेम प्ले वीडियो में। तो भाई लोग, आप स्वराज का लुक चेक कर सकते हैं। इस तरीके का लुक कैसे करें जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, और दोस्तों सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ए टू जेड। तो यार वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों वीडियो कर दो लाइक। तो दोस्तों अपने स्वराज को लेकर चलते हैं घुमाने के लिए। तो पहले आप इसकी लुक चेक करो एकदम, मतलब अगले टायर इसके ऐसे कर दिए एकदम सिंपल वाले, देख सकते हैं आप ऊपर से और पीछे। साइड प्रोफाइल चेक कराता हूँ दोस्तों, रुक जाओ। तो दोस्तों जरूर से चेक करके देखना आज ए टू जेड सारी, मतलब ए टू जेड सारी करे जाऊँगा, मतलब सारी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहली सेटिंग्स मैं बता देता हूँ। तो भाई लो, आपको जाना है पहले ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन जो ये जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, राइट साइड में इस पर टच करना है। यहाँ आपको एक खूब बड़ा गुलदस्ता सा मिलेगा, तो उसके पास एक स्पाम व्हीकल के नीचे व्हीकल्स का ऑप्शन है, जहाँ से आप सारे व्हीकल चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए दिए। और दोस्तों फिर कहते हैं भाई कुछ कि स्टेयरिंग व्हील वगैरह ऐड करो, तो वो दोस्तों सेलेक्ट मोबाइल कंट्रोलर टाइप जो राइट साइड में है, यहाँ पर यूआई बटन्स लिखा हुआ, इस पर टच करना है। आपको एक्सीलेटर, स्टीयरिंग व्हील और जॉयस्टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक ऑप्शन है हुड कलर, इस पर आप टच करेंगे तो आप ये ऊपर मीटर जो है इनका कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों देखो पिंक हो गया, ये वाइट, ये ब्लू, मतलब अभी हरा करते हैं, हरा सा कुछ अलग ही कलर करते हैं। ये चेक करो दोस्तों, बिल्कुल ग्रीन हो गया, और ये रेड, ये हो गया दोस्तों रेड, ये एकदम लाइट सा ग्रीन, एकदम अलग सा ही कलर देंगे कुछ। तो दोस्तों चेक कर सकते हैं आप यहाँ से हुड का मतलब ये मीटर जो है इनका कलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से और कुछ नहीं है, सिमुलेटर मोड में आप फन मोड में करोगे तो दोस्तों ट्रैक्टर का टॉर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा पहले से, मतलब उठा तेज हो जाएगा, कहने मतलब ये पहले से थोड़ा मतलब उठेगा जल्दी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सेटिंग तो आपको समझ में आ गई। लाइट आप जानते ही हैं, यहाँ से आप जला सकते हैं इसकी लाइट, ये तो चेक कर सकते हैं इसकी लाइट। और दोस्तों लाइट वगैरह का कलर कैसे चेंज करना है वो सब भी बताऊंगा। तो यहाँ से आपको ये बहुत बड़ा सेटिंग सिस्टम है, और अब की बार चेंज भी हुआ पहले से। आप बोलोगे कि हमें आता है, आप जा रहे हैं वीडियो में, तो यार आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन ऑप्शन में जाकर, और यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ये पहले नहीं मिलेंगे, पहले आपको ये सही मिलेगा। कार मॉडिफिकेशन, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन, डीजे मॉडिफिकेशन, ट्रक एंड पिकअप, कॉमन मॉडिफिकेशन। सबसे पहले कॉमन समझ लो, कॉमन में आता है कि हमें साइड ब्रेक स्क्रीन पे से हटाने या लगाने, और दूसरा ये है कि हेडलाइट इस टाइप से जितनी रेस दोगे उतनी तेज लाइट जलेगी, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों ये तो कॉमन है। अब अपन अपने सामने ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाते हैं अपन, फिर एक कार सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाने के बाद आप यहाँ से बिग ट्रॉली सेलेक्ट कर सकते हैं, डीजे दूसरा लगा सकते हैं, दो वाला फाइबर डीजे जो शुरू से इसके साथ था उसे लगा सकते हैं, और ट्रॉली छोटी लगा सकते हैं, बिग ट्रॉली और छोटी ट्रॉली, इस नाम से मतलब ये। और दोस्तों यहाँ से आप नूर उपल डीजे इस प्रकार से लगा सकते हैं, और डीजे ये छोटा फोर सब ऊपर्स वाला, ये दोस्तों बम्पर लगा सकते हैं, और नूर उपल वाला डीजे रहने देते हैं, और स्टंट मोड स्टार्ट करके आगे से खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई लोग चेक कर सकते हैं इसकी लुक एकदम, मतलब आगे से खड़ा हो गया पूरा, ये देखो। तो अब अपन कार थोड़ी सी स्पाम कर लेते हैं, तो अपन अपनी लांडी जीप को कर लेते हैं, कहाँ गई लांडी जीप, ये रही, तो टच कर स्पाम ने कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब आ गई अपनी कार, तो गेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे अपन ने बड़ी वाली ट्रायल लगाई थी तो कैमरा सेटिंग बिगड़ जाती, तो रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लो ब्लांडी जी, हो गई सेलेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आपको जाना है मॉडिफिकेशन में कार ऑप्शंस पर, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा लांडी जीप का। लांडी जीप पर आप टच करोगे तो रोड और मिरर, तो मिरर आप ऐसे लगा सकते हैं फ्रंट वाला, रोड ऐसे हटा सकते हैं, एक अलग ही लुक मिल जाएगा इसको। कॉमन मॉडिफिकेशन कि ऑल व्हीकल कैन हैंड ब्रेक, कि सब व्हीकलों का हैंड ब्रेक काम करना चाहिए, तो दोस्तों हाँ काम करना चाहिए यार, वो तो आप चेक करके देख सकते हैं इस सब चीज़ों को, मतलब सब चीज़ छेड़ के देखो, एक ए टू जेड सब कुछ सीख जाओगे। अब दोस्तों एक डीजे कार और सेलेक्ट कर लेते हैं, डीजे और पिकअप के बारे में बताना मतलब बोले तो भाई लोग डीजे हो गया, ये डीजे चलिए आ गया डीजे, ठीक है दोस्तों। अब इस पर मतलब कस्टमाइज करके
इसके मॉडिफिकेशन में जाकर डीजे मॉडिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा ऑल व्हीकल ब्रेक, चारों पहियों के ब्रेक लगने चाहिए, फ्रंट के व्हीकल ब्रेक। तो दोस्तों इस टाइप से लगा सकते हैं, और इंजन आगे चाहिए या फिर नहीं चाहिए ये भगा सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप भाग जाता है फिर आ जाता। और रियर व्हील ब्रेक, डिस्को लाइट्स, डिस्को लाइट्स पीछे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से देखो। अभी जलाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं, एकदम डिस्को टाइप है नहीं। तो और दोस्तों और सेटिंग्स दिखाता हूँ मैं आपको। डीजे डांस का सिस्टम ऐसा कि आगे से ही मतलब खड़ी होती, पीछे से भगा कर, पीछे भगा कर ऐसे दोस्तों आगे से हिली, तो इस टाइप से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी लेकिन ए टू जेड आपको सारी सेटिंग्स मैं बता चुका हूँ धीरे धीरे करके। तो यार मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, बाय बाय टाटा।